बाकी सारे सहारे छोड़ दिए उसको वो सहारा मिल जाता है। मैंने कहा था ना, स्वाद लेकर के देखो, प्रयोग करके देखो। जिन दूसरी चीज़ों पर निर्भर बैठे हो उनको एक बार के लिए, थोड़े समय के लिए छोड़ करके देखो। अपने आप वो ताकत जगेगी जो तुम्हारे भीतर है। ऐसे समझ लो कि किसी का पांव बिल्कुल ठीक हो पर उसके बाद भी वो बैसाखियों पे चलता हो तो पांव की सारी मांसपेशियां कैसी हो जाएंगी? उनका आकार ही सिकुड़ जाएगा, उनकी ताकत ही कम हो जाएगी। तो अब उसे अपनी मांसपेशियों की ताकत बढ़ानी है, अपने पांव में जान डालनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? जैसे ही बैसाखी को छोड़ेगा उसकी पांव में ताकत वापस आने लगेगी। कोई तरीका ही नहीं है छोड़ने के अलावा, यकीन करना पड़ेगा कि हाँ ताकत है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रयोग करके देखो। एक बार को बैसाखी को छोड़ के देखो, पाँव पे चल के देखो। जैसे ही ये दिखाई देगा कि मैं बैसाखी के बिना भी चल तो पाया ना, एक दो कदम ही सही पर चल पाया, चलो दो कदम चला फिर गिर गया, तो दो कदम चलना भी इस बात का प्रमाण है कि आज अगर दो कदम चला हूँ तो कल चार कदम भी चल सकता हूँ और परसों दौड़ भी सकता हूँ। कुछ भी रुक नहीं गया है। क्यों रखता है बैसाखी? क्यों महत्व रखती है बैसाखी? क्यों महत्व रखती है? क्योंकि तुमने ये मान रखा है कि तुम लंगड़े हो, तुम्हारे पाँव में कोई खोट है। तब से कह रहा हूं ना कि तुमने मान रखा है कि तुम में कोई खोट है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में बैसाखियों का बड़ा महत्व आ गया है। अब पूछो कि हमने क्यों मान लिया है कि हमें कोई खोट है? क्योंकि बचपन से ही तुम्हारे मन में यही बात डाली गई है कि तुम में कोई कमी है। उदाहरण दूं, रंग जरा गाढ़ा है बच्चे का पैदा होते ही। अरे क्लास में तेरी 10वीं पोजीशन आई है, पड़ोस में वर्मा जी रहते हैं उनके बेटे की 4थी आई है। फिर तुम टीवी खोलते हो उसमें विज्ञापन कैसे आते हैं? अगर तुम्हारे पास ये बाइक नहीं है तो तुम्हारा जीना बेकार है। रेमंड्स द कंप्लीट मैन, यानी कि अगर तुम्हारे पास रेमंड्स नहीं है तो तुम इनकम्प्लीट हो। चारों ओर से हर दिशा से तुम्हारे मन में यही बात ठूसी जा रही है कि तुम में कोई कमी है। फलानी कार, और उसके नीचे क्या लिख के आएगा, अब आया जीने का मजा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर वो कार नहीं है तो जीने का मजा नहीं है। बात ठीक है ना? फेसबुक पे जाओगे, तुम्हारे किसी रिश्तेदार की, बड़े भाई की शादी हुई है, वहां पे शादी की फोटो होगी जहां पति पत्नी साथ में होंगे और नीचे लिखा होगा नाउ आई एम फीलिंग सो हैप्पी। उसका अर्थ क्या हुआ कि अगर शादी नहीं हुई और लड़की नहीं मिली तो हैप्पी नहीं हो सकते। हजार तरीकों से तुम्हें ये जताया जा रहा है कि तुम में कोई कमी है और तुम्हें उस कमी को ऐसा ऐसा वैसा वैसा कर करके पूरा करना है। तो बड़ी अजीब हालत है हमारी कि टांगे मजबूत पर हमारा ये ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि हम लंगड़े हैं और हमें बैसाखियां दे दी गई हैं। बात आ रही है समझ में बेटा? तुम हमारे प्यार के काबिल भी तब हो जब तुम कुछ बन जाओगे। क्या ये सुना नहीं तुमने? जाओ पहले कुछ बन के दिखाओ। इसका क्या अर्थ हुआ कि अभी तुम में कोई कमी है, जब तक तुम कुछ बन नहीं गए तब तक तुम नालायक हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तो इस कारण मन में बड़ी गहरी कुंठा भर जाती है। हम सब बड़े कुंठित लोग हैं, बड़े ही ग्रंथियां बैठी हुई हैं। हमें बता दिया गया एक खास किस्म का चेहरा हो तब तो तुम अच्छे हो। हमें बता दिया गया अगर शरीर ऐसा हो तब तुम में कोई बात है। हमें बता दिया अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हो तब तुम्हारा जीवन जीने लायक है, तुम्हारे बोलचाल ऐसी हो, तुम्हारे पास इतनी इतनी क्वालिफिकेशन हो तब
तुम इंसान कहलाने काबिल हो, नहीं तो तुम व्यर्थ हो। तो हमें कदम कदम पर हमारे नाकाफी होने का एहसास कराया जाता है। ये बात आ रही है समझ में? कुंठित लोगों ने हमें भी कुंठित बना दिया है। स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ की खातिर हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें बस अपनी दो पैसे की क्रीम बेचनी है, पर उस क्रीम बेचने के लिए उन्होंने हमारे मन में ये कुंठा डाल दी है कि हमारा चेहरा खराब है। तो इन बेवकूफों की वजह से एक अच्छा खासा स्वस्थ बच्चा भी बीमार हो जाता है। कोई बच्चा बीमार नहीं पैदा होता, हर बच्चा स्वस्थ ही पैदा होता है मानसिक रूप से। उसको ये जो तुम्हारा घर परिवार समाज है ना, ये बीमार करता है मानसिक रूप से। बाप बेटे को लेकर के खड़ा हुआ है, सामने से एक नेता का काफिला निकल रहा है, उसमें लाल बत्ती जल रही है, आसपास दबंग लोग हैं। बच्चा पूछता है, पापा ये क्या है? पापा बोलते हैं, बड़ी इज्जत से देखो बेटा, ये ना बड़े नेताजी हैं। वो नेताजी क्या हैं? वो कुछ नहीं, वो शहर के गुंडे हैं बड़े वाले। अब बच्चे के मन में क्या भावना घर कर गई कि जीवन में ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है क्या, कि मेरे साथ दो चार हथियारबंद लोग चलें, कि मैं भी गुंडा हूं, और अगर मैं वैसा नहीं हूं तो मैं तो सड़क किनारे खड़ा हूं, सड़क पे इनका काफिला जा रहा है और मैं क्या हूं, मैं बस सड़क किनारे खड़ा हूं। अच्छा खासा स्वस्थ बच्चा था, घूम रहा था, उसके मन में अचानक से कुंठा डाल दी गई कि अगर वैसे नहीं हो तो बेकार हो, कि बड़े नेताजी हैं, इनको सलाम करो, इनको इज्जत दो, जरा दूर होके खड़े हो। वो लाल बत्ती है, वो बड़ी आदरणीय चीज होती है। अब बच्चे के अंदर तुमने बीमारी बैठा दी। वैसे ये जो टीवी चल रहा होता है, सीरियल चल रहे होते हैं, इनमें और क्या होता है? अब घर के सारे सदस्य वही देखे जा रहे हैं, गंदगी, सड़ी हुई गंदगी, और साथ में बच्चा भी बैठ के देख रहा है। और बच्चे को क्या संदेश गया कि इसी को तो जीवन कहते हैं जो टीवी में दिखाया जा रहा है, यही तो जीवन है, और इसमें ज़रूर कोई आनंद है। आनंद ना होता तो मेरे घर के इतने लोग क्यों देखते और रोज़ देखते हैं? तो मतलब ज़रूर इसमें कोई बड़ी बात है। तबाह हो रहा है ना बच्चा अब।